हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद रिद्धिमान। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह, आपको पढ़ा चुका हूं ज्योग्राफी, जो आप आरबीएससी की बुक से आपने 6 to 10 तक आपने कंप्लीट की है। और उसी के बेसिस पे हम क्लास वाइज टेस्ट हम ले रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर्स जो आज है चैप्टर नंबर 12 एंड 13 का आज पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितनी जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितनी जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है? 62.3 ईयर, 68.3 ईयर, 72.8 ईयर या फिर 86 ईयर। तो आपको 62.3 वर्ष, 68.3 वर्ष, 72.8 वर्ष या फिर 86 वर्ष। फटाफट से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए। और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको बुला लीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? 68.3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उदयपुर, बांदीकुई, आगरा और नागौर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? उदयपुर, बांदीकुई, आगरा या नागौर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है और निश्चित रूप से आपको याद भी होगा, तो फटाफट से इसका आंसर लगा दीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में किस वर्ष दर्ज की गई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में किस वर्ष दर्ज की गई? 1981 में, 1872 में, 2011 में या फिर 1951 में। फटाफट से बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में किस वर्ष दर्ज की गई? 1981 में, 1872 में, 2011 में या फिर 1951 में। तो चलिए, आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो आपका क्या आंसर है? आपका आंसर है 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मंडल सम्मिलित नहीं है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मंडल सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जोन है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा मंडल सम्मिलित नहीं है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा। लगाइए फटाफट आंसर, और ये काफी इजी भी है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोटा मंडल जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में कितने रेलवे जोन में वर्गीकृत किया गया है? भारत का जो रेलवे जोन है उसमें कितने जोन में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास है 18 जोन, 16 जोन, 14 जोन या फिर 12 जोन। फटाफट से बताइए कितने जोन में वर्गीकृत किया गया है हमारे भारतीय रेलवे को? 18 जोन, 16 जोन, 14 जोन या फिर 12 जोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला कितने प्रतिशत हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला कितने प्रतिशत हैं? 35%, 42%, 48% या फिर 52%। फटाफट से बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला कितने प्रतिशत हैं? 35%, 42%, 48% या फिर 52%। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 52%, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोबारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबद्ध है? दोबारी से उदयपुर जाने वाली पाइपलाइन किस पदार्थ के परिवहन से संबद्ध है? सीसा या जस्ता, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या फिर जल। सीसा या जस्ता, सीसा व जस्ता, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल, इनमें से किस चीज का परिवहन इसमें पाइपलाइन के द्वारा होता है जो दोबारी से उदयपुर जाती है?
तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? सीसा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर मुंबई? इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर मुंबई। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपने लगा लिया है और ऑप्शन क्या है? आपका आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस जिले में है? तो आपके पास ऑप्शन है जालौर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर भीलवाड़ा। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस जिले में रहा है? जालौर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर भीलवाड़ा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जालौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराक नदी से संबंधित राष्ट्रीय जलमार्ग है? ऑप्शन आपके पास जलमार्ग नंबर 2, जलमार्ग नंबर 4, जलमार्ग नंबर 5 या फिर जलमार्ग नंबर 6। बराक नदी से संबंधित राष्ट्रीय जलमार्ग है, बराक नदी से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, हमेशा उनको थोड़ा सा घुमाया जाता है। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? जलमार्ग नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिण पथ किस देश से संबद्ध है? उत्तर दक्षिण पथ किस देश से संबद्ध है? भारत, रूस, ईरान या प्रोक्स सभी? उत्तर दक्षिण पथ किस देश से संबद्ध है? भारत, रूस, ईरान या फिर उपरोक्त सभी? परिवहन के संबंध में जब उत्तर दक्षिण पथ की बात की जाती है तो किस देश से संबद्ध है? भारत से संबंधित है वो, रूस से संबंधित है, ईरान से संबंधित है या फिर उपरोक्त सभी से संबंधित है ये? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, भारत, रूस और ईरान तीनों से संबंधित है ये उत्तर दक्षिण पथ, परिवहन के संबंध में केवल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 के हिसाब से? करौली, ऑप्शन आपके पास जैसलमेर, धौलपुर और डूंगरपुर। तो आपको इसमें से बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला रहा है वो कौन सा है? करौली, जैसलमेर, धौलपुर या फिर डूंगरपुर। जल्दी जल्दी से लगाइए इसका आंसर। तो आप सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नहावा सेवा पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नहावा सेवा पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है कामराज पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमू गोवा पोर्ट या फिर न्यू मंगलौर पोर्ट। कौन सा है? नहावा सेवा पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामराज पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमू गोवा पोर्ट या फिर न्यू मंगलौर पोर्ट। फटाफट से इसका आंसर बताइए। ये बहुत इजी है और बहुत फेमस भी है। तो आप सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नहावा सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंत्रपोपतन का उपयोग किस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए किया जाता है? यानी आंत्रपो जो पतन है उसमें किस प्रकार का काम किया जाता है? छोटी दूरियों को तय करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, निर्यात या एकत्रण हेतु उसका उपयोग किया जाता है, डाक व यात्री सेवा हेतु उपयोग किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंत्रपो पतन का उपयोग किस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए किया जाता है? छोटी दूरियों का तय करने में, निर्यात या एकत्रण हेतु, डाक व यात्री सेवा हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर आपको पता होगा निश्चित रूप से। तो इसका आंसर क्या है? निर्यात या एकत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है आंत्रपोपतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुष महिलाओं की संख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुष महिलाओं की संख्या है क्या है? 921, 918, 928 या फिर 904? 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं दर्ज की गई 2011 की जनगणना के अनुसार, वो आपको इसमें बताना है। तो फटाफट से बताइए, ये तो आपका 100% याद होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जलमार्गों के निर्माण हेतु अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जलमार्गों के निर्माण हेतु अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1952 में, 1986 में या फिर 2006 में? फटाफट से इसका आंसर लगाइए। तो आप सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सचेतक सड़क चिन्ह सामान्यतः किस आकार के होते हैं? सचेतक सड़क चिन्ह जो होते हैं सामान्यतः किस आकार के होते हैं? गोलाकार, त्रिकोणाकार, चतुर्भुजाकार या फिर षटकोणाकार? गोलाकार, त्रिकोणाकार, चतुर्भुजाकार या षटकोणाकार? सचेतक सड़क चिन्ह सामान्यतः किस आकार के होते हैं? गोल होते हैं, त्रिकोण होता है उनका आकार, या फिर चौकोर होते हैं, या फिर षटकोणीय होते हैं यानी छह कोने वाले होते हैं? तो फटाफट से बताइए इसका आंसर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पूछा है सामान्यतः। सारे चिन्ह, सारी जो सचेतक सड़क चिन्ह है वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे कौन किस प्रकार के आकार के होते हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है त्रिकोणाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? फटाफट से ऑप्शन में से आंसर लगाइए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्व पश्चिम गलियारा के तहत निर्मित सड़क से जुड़ा हुआ राज्य है? पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत निर्मित सड़क से जुड़ा हुआ राज्य है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उसके तहत निर्मित जो सड़क है उससे जुड़ा हुआ राज्य है कौन सा है? मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर असम है? इसका आंसर बहुत ईजी है और आप सभी को आना भी चाहिए। तो फटाफट से इसका आंसर लगा दीजिए। इसका ऑप्शन क्या है, क्या आंसर सही है इसका? इसका आंसर है डी, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उसके तहत निर्मित सड़क में कितने राज्य आते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत निर्मित जो सड़क है उसमें कितने राज्य आते हैं? 18 राज्य आते हैं, 15 राज्य आते हैं, 13 राज्य आते हैं या फिर 8 राज्य आते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत निर्मित सड़क में कितने राज्य आते हैं? 18 राज्य आते हैं, 15 राज्य आते हैं, 13 राज्य आते हैं या फिर 8 राज्य आते हैं? फटाफट से इसका आंसर लगाइए। तो आपने सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपके सामने 13 राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही या फिर जैसलमेर? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही या फिर जैसलमेर? तो फटाफट से अपने आंसर लगा दीजिए, देरी मत लगाइए,
हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी, और हमारे पास बहुत कम वक्त होता है, इसलिए फटाफट से टाइम किल मत कीजिए, फटाफट से इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर आप सभी ने लगा लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है, वो है आपका जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत कितनी लेन वाली सड़कों का निर्माण करने का संकल्प किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 4 लेन वाली सड़कें, 12 लेन वाली सड़कें, 8 लेन वाली सड़कें, या फिर 6 लेन वाली सड़कें। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत कितनी लेन वाली सड़कों का निर्माण करने का संकल्प किया गया था? 4 लेन वाली सड़कें, 12 लेन वाली सड़कें, 8 लेन वाली सड़कें, या फिर 6 लेन वाली सड़कें। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, मैंने आपके मैक्सिमम वो ही लिए हैं जिनके जिनके आने की संभावना ज्यादा रहती है, जिस टाइप के क्वेश्चन सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने फटाफट से लगा लो, देखते हैं। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 6 लेन वाली सड़कों का संकल्प किया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रीड कोर का विस्तारित रूप में आई का अभिप्राय है। रीड कोर का जो फुल फॉर्म हम देखेंगे तो इसमें से आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब इंस्टीट्यूट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रीज होगा, या फिर इंडिया होगा। इनमें से क्या सही है? रीड कोर को जब हम फुल फॉर्म फॉर्मेट में लिखते हैं, विस्तारित रूप में लिखते हैं, तो आई का अभिप्राय क्या होगा? इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, या फिर इंडिया। आपके पेपर में सामान्य तौर पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, या फिर पर्टिकुलर एक ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे ये मैंने आपको दिया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी मात्रा में आने की संभावना बनी रहती है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी ने लगा लिया होगा, इसका आई से अभिप्राय होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सन 2011 में होने वाली जनगणना भारत की कौन सी व्यवस्थित जनगणना थी? 2011 में जो जनगणना थी वो कौन सी व्यवस्थित जनगणना थी? 12वीं जनगणना, 14वीं जनगणना, 15वीं जनगणना, या फिर 13वीं जनगणना। तो इसमें यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो क्या है, व्यवस्थित जनगणना। ठीक है, 2011 में जो व्यवस्थित जनगणना का जो नंबर था वो कौन सा था, वो आपको बताना है इसमें। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फटाफट से इसका आंसर लगाइए, देर मत करिए। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं, तो इसका आंसर है 14वीं जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम किस वर्ष आया? राजस्थान का जो सड़क विकास अधिनियम है वो किस वर्ष आया? 2011 में, 2015 में, 2013 में, या फिर 2002 में? किस वर्ष आया राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, किस वर्ष आया था वो आपको बताना है। 2011 में आया था, 2015 में आया था, 2013 में आया था, या फिर 2002 में आया था। तो आई होप सो कि आपने सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2002। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम जो था वो 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राज्य सड़क नीति भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम बनाई गई? राज्य से सड़क नीति भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम बनाई गई थी? ऑप्शन आपके पास पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल और दिल्ली। राज्य सड़क नीति भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम बनाई गई थी? ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, या फिर दिल्ली। ऑप्शन आपने लगा लिया होगा आंसर, तो इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य ये ऐसा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम राज्य सड़क नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग को किसके नियंत्रण में होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो किसके नियंत्रण क्षेत्र में है? CPWD के, NHAI के, उपरोक्त दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके नियंत्रण क्षेत्र में आते हैं, किसके नियंत्रण में होते हैं? CPWD के, NHAI के, उपरोक्त दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? इससे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये आपको आना ही चाहिए, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो फटाफट से इसका आंसर लगाइए। तो आप सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं।
इसका आंसर है एनएचएआई। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो एनएचएआई के अंडर में आते हैं। इन सीपीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई। भारत की जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी, ऑप्शन है आपके पास 1951 में, 1872 में, 1881 में, या फिर 2011 में। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी, कब की गई थी, फटाफट से बताइए। 1951 में, 1872 में, 1881 में, या फिर 2011 में। तो आप फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है 1881 में जब हुआ था, तो भारत की जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना, याद रखिए व्यवस्थित जनगणना, यहाँ व्यवस्थित वर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। कितनी है, लगभग 130,000 किलोमीटर, लगभग 108,000 किलोमीटर, लगभग 138,000 किलोमीटर, या फिर लगभग 125,000 किलोमीटर। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट लंबाई नहीं दी गई है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है, लगभग पूछा गया है। तो आपका आंसर जो होगा उसके नियरेस्ट वैल्यू आपको देखनी है, उसी के हिसाब से इसका आंसर आपको देना है। तो फटाफट से बताइए कि इसका ऑप्शन में से कौन सा सही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, लगभग 130,000 किलोमीटर, लगभग 108,000 किलोमीटर, लगभग 138,000 किलोमीटर, या फिर लगभग 125,000 किलोमीटर। तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर आप सभी ने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है वो देखते हैं। इसका आंसर है 130,000 किलोमीटर के लगभग ये दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाइपलाइन का प्रकार किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है। पाइपलाइन का प्रकार जो है वो किस प्रकार के परिवहन के अंतर्गत आता है। जल परिवहन के अंतर्गत आता है, स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है, वायु परिवहन के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि पाइपलाइन का जो परिवहन सिस्टम है वो किस क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर फटाफट से लगाइए आप। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, स्थल परिवहन, पाइपलाइन जो परिवहन सिस्टम है वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये एग्जाम होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा अच्छे से याद, और आपने अच्छे स्कोरिंग इसमें किए होंगे। तो आप जल्दी ही मेरे को कमेंट्स में लिखकर डालिए कि आप लोगों में से किस किस के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो देखते हैं इस बार कौन फुल बाय फुल मार्क्स लेकर आता है। तो बच्चों इस वक्त कुछ कारणों से थोड़ा सा अव्यवस्था चल रही है, तो कुछ दिन आपको और परेशानी संभवतः हो सकती है। तो इससे परेशान मत होइएगा, और जल्द ही आपको जैसे हमेशा की तरह जो रेगुलर वीडियो है वो आपको मिलने लग जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों कुछ प्रॉब्लम चल रही है चैनल में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।